गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो चैट। आज मैं आप सभी को इंट्रोडक्शन टू पाइथन बताऊंगा। पाइथन लैंग्वेज के बारे में आप सभी ने सुना होगा, लेकिन आखिर पाइथन है क्या? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेज होती है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि होती तो नेचुरल लैंग्वेज की तरह ही है, एंड इट इज मोस्टली इन इंग्लिश। इंग्लिश में हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ फिक्स स्टेटमेंट्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम बस उन्हीं चीजों को यूज कर सकते हैं जो कि इसमें पहले से डिफाइंड होती है, और इसमें कुछ सिंटेक्स रूल्स होते हैं। उन रूल्स को यूज करके ही हम कोई बात कह सकते हैं। ये हमारी इंग्लिश और हिंदी जैसे नहीं होती कि हम कुछ भी बोले तो हमें समझ में आता है। कंप्यूटर के पास कोई अपना माइंड नहीं है तो वो हमारी बात नहीं समझ सकता, इसीलिए हमें कुछ सिंटेक्स रूल्स की जरूरत होती है। इसके बाद हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कंडीशनल एंड कुछ इटरेटिव प्रोसेसिंग होती है। कंडीशनल मतलब कि हम कंप्यूटर को कैसे बताएं कि ये कंडीशन होगी तभी ये काम किया जाए, वरना उस काम को ना किया जाए। और यदि हमें दो को बार बार जोड़ना है, अगर हमें ये चीज 100 बार करनी है, तो उस चीज के लिए हमारी इटरेटिव प्रोसेसिंग होती है। हम इन सब के बारे में डिटेल्स में आने वाली वीडियोस में जानेंगे। अब हमारे पास कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है, तो सबसे पहले बनी थी फोर्ट्रन, उसके बाद और धीरे धीरे ढेर सारी लैंग्वेजेस आई है। C++, जावा, सी हैस और पाइथन ये ज्यादा फेमस है। पाइथन आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है क्योंकि पाइथन के पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि बाकी लैंग्वेजेस से इसको बहुत ज़्यादा बेटर बनाते हैं। तो चलिए हम इसके कुछ फीचर्स और व्हाई इज पाइथन एंड व्हाट इज पाइथन के बारे में जानते हैं। नाउ व्हाट इज पाइथन? पाइथन है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब हम इसे जनरल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे बड़े कॉन्सेप्ट्स में भी यूज की जाती है। तो पाइथन के साथ एक बहुत बड़ा जो जॉब्स का भी सोर्स है, अगर आपको पाइथन आती है तो आपके लिए जॉब लेना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो पाइथन सीखना आज की लाइफ में मस्ट है, ठीक है? सो पाइथन लैंग्वेज एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, और पाइथन को एक हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं। इन टर्म्स को हम बाद में आसानी से समझेंगे, हम अभी बिगनर लेवल पर ही फोकस करें। पाइथन को हम दो तरीके के यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें एक पूरा प्रोग्राम बनाना है, पूरा कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हम उसका पूरा कोड एक साथ भी रन कर सकते हैं, या फिर हमें कोई बस एक सिंगल स्टेटमेंट रन करनी है तो वो चीज भी कर सकते हैं हम। अच्छा, तो ये तो हो गया। अब पाइथन का एक स्पेशल और अच्छा फीचर क्या है कि पाइथन के लिए हमें प्रीवियस कोई नॉलेज नहीं चाहिए। मतलब अगर आपको कुछ नहीं पता आज तक, अगर आप जानते नहीं हैं कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर क्या है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन के लिए कोई बैकअप नहीं चाहिए। आप इसे न्यूली स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये फैक्ट आपको जान के बहुत अच्छा लगा होगा, और आप पाइथन सीखने के लिए आप तैयार हो जाएं। आने वाली वीडियोस में हम बहुत अच्छे से पाइथन को आप सीखने जा रहे हैं। पाइथन के साथ हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। अब हम कुछ फीचर्स ऑफ पाइथन के बारे में जानेंगे। जो पाइथन लैंग्वेज है ये बहुत ही आसानी से रीडेबल होती है। रीडेबल यानी सबसे पहले जो आई थी मशीन लैंग्वेजेस, उसमें डाटा बाइनरी में लिखा जाता था, यानी कि 0 और 1 में। अब इंसान तो 0 और 1 समझता नहीं है, वो तो कंप्यूटर समझते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझेंगे, तो हम तो समझ नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट होने के बाद ऐसी लैंग्वेजेस बनी जिनको हम पढ़ सकते हैं। हाँ, तो पाइथन लैंग्वेज में हम इंग्लिश के लेटर्स यूज करके कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो इसमें बहुत ही सिंपल वर्ड्स को यूज किया जाता है, जैसे कि लिस्ट हो गई। अब लिस्ट क्या होती है?
ढेर सारी चीजों का कलेक्शन होती है, ढेर सारी चीजों की लिस्ट होती है, तो उसी तरह पाइथन में लिस्ट नाम से एक फीचर है जिसमें आप ढेर सारी चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। पाइथन को हम आसानी से सीख सकते हैं, इट इज वेरी इजी टू लर्न दिस लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को बहुत आसानी से आप 2 महीने में प्यार से सीख सकते हैं। अच्छा, तो तीसरा फीचर ये फ्री है। हाँ जी, पाइथन को आप फ्री में सीख सकते हैं, पाइथन पर आप फ्री में काम कर सकते हैं, और यही नहीं पाइथन में आप डोनेट भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप जो डोनेट करेंगे वो आपकी, वो पूरी दुनिया आपके नाम से यूज करेगी, और आप इस तरीके से पाइथन के थ्रू फेमस भी हो सकते हैं। आजकल ढेर सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जिसमें अगर आपको पाइथन आती है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करके पूरे वर्ल्ड में फेमस हो सकते हैं, और आपको गूगल जैसी कंपनियां भी जॉब का ऑफर दे सकती है। अब है क्रॉस प्लेटफॉर्म, इसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका विंडोज हो, एंड्रॉयड हो या लिनक्स हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये हम इसे यूज कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है। पाइथन के साथ ढेर सारी लाइब्रेरीज आती हैं, जैसे कि नंपाई हो गई, डाटा साइंस के लिए ढेर सारी लाइब्रेरीज होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए होगी, तो जितनी भी लाइब्रेरीज है वो सारी इसमें हमें फ्री में मिल सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है पाइथन का। मेमोरी मैनेजमेंट, पाइथन का मेमोरी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छे से आपकी मेमोरी को मैनेज करती है, हार्ड डिस्क को या आपकी जो भी स्टोरेज डिवाइस है उसको ये बहुत अच्छे से मैनेज करती है, और एक बार जब प्रोग्राम खत्म हो जाए तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। एक इसमें बहुत अच्छा फीचर है कि ये एक्सेप्शंस को भी हैंडल कर सकती है। अब आपने एक्सेप्शंस के बारे में सुना होगा, आप कई बार वेबसाइट्स को जब सर्च करते हैं तो उसमें एक एरर आ जाता है, एरर 404, एरर 440, तो वो एरर एक एक्सेप्शन होता है कि जब आपकी वेबसाइट, आपका सॉफ्टवेयर सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता तो वो एरर शो करता है। पाइथन ये फीचर देता है ताकि आप उस एरर्स को अच्छे से हैंडल कर सकें, और जो यूज़र है उसे बहुत अच्छे से उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सके कि हमारे सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ रखी है, प्लीज़ आप थोड़ी देर बाद ट्राई करें। तो ये चीज़ें भी हम पाइथन के साथ कर सकते हैं। तो अब मैं ऐसा गैस करता हूँ कि आपको धीरे धीरे आइडिया लग रहा होगा कि पाइथन लैंग्वेज क्या है, पाइथन के फीचर्स क्या हैं, और हमें पाइथन क्यों ज़रूरी है। Applications of Python. अब Python के application क्या है? मान लीजिए आपने Python language सीख ली, तो आप Python को use कहाँ करें? हमारी daily life में क्या use है? As a child, आजकल हमें Python language बहुत पढ़ाई जा रही है। 11वीं 12वीं में आजकल हर कोई Python language सीखता है, especially science के students जिन्होंने CS ली होती है उन्हें Python language सिखाई जाती है। तो एजुकेशन लेवल में भी आपको इसकी हेल्प मिलेगी। अगर आपको पाइथन लैंग्वेज आती है तो आप आगे जाके, या फिर अगर अभी आपने कोर्स ले रखा है तो भी आपको ये वीडियोस बहुत ही फायदेमंद होगी। अब इसके बाद क्या है, हमें फ्यूचर में कैसे यूज आएगा? तो फ्यूचर में सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट क्या होता है? वेब डेवलपमेंट होता है कि आप किसी वेबसाइट को डेवलप करें। अब किसी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, उसके डाटा को एनालाइज करने के लिए, मान लीजिए फेसबुक है। अब फेसबुक इतने सारे यूजर्स हैं, आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, तो ये सारा डाटा किस तरीके से प्रोसेस करें, उस चीज़ के लिए पाइथन लैंग्वेज को वो यूज कर सकते हैं। तो पाइथन लैंग्वेज को वेबसाइट बनाने में, वेबसाइट को यूज करने में भी बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है। अब दूसरा इसका एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर्स बनाने में, यानी कि एप्स बनाने में, हमारे फोन के एप्स बनाने में और सॉफ्टवेयर बनाने में भी हम पाइथन लैंग्वेज को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे कि हम अब जल्दी से जल्दी कैसे एप्स बनाएं, है ना, हमें अपना एक ऐप चाहिए। तो उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको वेबसाइट बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना सब सिखाऊंगा, पाइथन की हेल्प से भी सिखाऊंगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए। बिग डाटा, डाटा एनालिसिस, आजकल डाटा एनालिसिस भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। डाटा साइंस की बहुत सारी जॉब्स निकल रही है, तो जो बड़ी बड़ी डाटाज होती है, जैसे पॉपुलेशन का डाटा हो गया, कोरोना का डाटा हो गया, तो किसी भी तरह का डाटा,
डाटा को एनालाइज करने के लिए हम पाइथन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। पाइथन लैंग्वेज इस चीज में बहुत अच्छी होती है। पाइथन में ढेर सारी लाइब्रेरीज हैं जिसकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। डाटाबेसेस, डाटाबेस भी डाटा की ही तरह होती है, लेकिन डाटाबेसेस में ढेर सारा डाटा कॉलम्स एंड रोज में स्टोर्ड है। प्रोटोटाइपिंग एंड स्क्रिप्टिंग, इनके बारे में भी अब हम धीरे धीरे जानेंगे। तो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप मेरे साथ बस बने रहिए और सीखते रहिए। So now, thanks for watching video. हमने आज introduction of Python खत्म कर लिया है। अब इसकी नई वीडियो है how to install Python. Install कैसे किया जाए Python को, तो वो हम next video में सीखेंगे। And मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी इसे बांटें ताकि वो भी पाइथन जैसी लैंग्वेज के बारे में जान सकें और इसको सीख सकें। इसको सीखने से वो अपना फ्यूचर भी अच्छा कर सकें। तो अगर आप अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहते हैं और उन चाहते हैं कि वो सीखें, तो इसे शेयर करना जरूर ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियोस बनाऊं, तो मुझे कमेंट लाइक करके मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। चलिए, थैंक यू एंड वी विल सी अगेन।